बर्फी बनाने का एक नया तरीका आपको बताने वाली हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो मैं यह सारी सामग्री आपको पहले बता दे रही हूँ, चीनी, बेसन, दूध पाउडर और मेल्टेड घी है और काजू बादाम, इन्हीं सारे से मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो चाशनी गर्म और थोड़ा चाशनी टाइट होना बर्फी में बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ जब भी त्यौहार आते हैं, राखी से ही त्यौहार शुरू हो जाते हैं, तो हम लोग बाहर से सभी तरह की मिठाइयाँ खरीदते हैं, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, बेसन बर्फी, काजू कतली। तो इसे बनाने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगते, लेकिन सामग्री लगते हैं और कुछ टाइम लगते हैं। तो चलिए अब बाहर से लाना क्यों, घर में ही बना लेंगे। तो मैं यहाँ मेल्टेड घी आधा ले रही हूँ और आधा बाद में मैं इसका यूज करूँगी, और इसमें डाल दे रही हूँ छाना हुआ एक कटोरी बेसन। तो आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे 2 मिनट भूनने के बाद देख सकते हैं आप, ये येलो येलो हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी डाली हूँ क्योंकि कलर हमें लाना है बर्फी का पीला कलर, तो इसीलिए मैं हल्दी का इस्तेमाल करी हूँ। पर आपको दिखा नहीं पाई, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फूड कलर या हल्दी का। अब यहाँ मैं बचा हुआ जो घी था मैं वो भी ऐड कर दे रही हूँ और इसे धीमी आँच में लगातार 5 से 7 मिनट भूनेंगे। अब थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि ये इस तरह से हो गया है और हमारा ना बेसन बिल्कुल भून गया था। इधर चाशनी भी मेरा गर्म था। इधर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे चाशनी को और चलाते जाएंगे और धीरे धीरे देखेंगे कि बेसन एकदम फुलका होते जा रहा है, फूलते जा रहा है। तो 2-3 बार में करके मैं थोड़ा थोड़ा डाली थी चाशनी को। चाशनी हमें एक तार वाली बनानी है। अगर थोड़ी सी ज़्यादा टाइट कर देंगे तो चाशनी, तो हमारा ना जो बर्फी होता है वो टाइट हो जाएगा। तो एक तार वाली ही चाशनी हमें चाहिए, तो आप ध्यान दीजिएगा चाशनी में। अब चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं धीरे धीरे। अब यहाँ पर दोस्तों गैस बंद है, गैस अगर चालू रहेगा तो चाशनी और टाइट होती रहेगी, इसीलिए मैं ना गैस को बंद कर दी हूँ। अब यहाँ पे अच्छे से 1 मिनट मैं मिक्स करूँगी। फिर एक बर्तन लूँगी जिसमें तेल लगाकर, घी लगाकर मैं अच्छे से ग्रीस कर ली हूँ और इसी में डालकर अच्छे से बर्फी को सेट करने वाली हूँ। तो मैं अच्छे से इसको दबाकर अच्छे से सेट कर लिया है और इसमें ऊपर से काजू और बादाम डालकर सेट कर लूँगी। अगर आपके पास चांदी वर्क होगा तो वो भी डाल दीजिएगा। और यहीं पे थोड़ा सा किशमिश भी डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा खड़ा बादाम भी डाल दे रही हूँ। तो देखिए अब इसे मैं 10 मिनट ठंडा होने देती हूँ और फिर इसको डीमोल्ड करके और कट करूँगी। इतनी सुंदर बनी है दोस्तों कि माउथ मेल्टेड है, यानी कि मुंह में जाते ये बर्फी पिघल जाएगी एकदम हलवाई जैसा। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी है। अब इसे ना किसी को भी खिलाओगे तो आपको वो समझ नहीं पाएगा कि ये घर का है या बाहर का है। बहुत टेस्टी है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा।